भाई साहब प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्कार बाबा जी, नमस्कार। दूसरी जगह श्री राजेंद्र शुक्ल जी को कि फरिश्ते निकले हैं रोशनी के राय राजेंद्र माननीय श्री। 24 घंटे बिजली की मैं सौगात अपने मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के साथ आपको देने आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इसके बाद पन्ना की जो आर्थिक स्थिति है उसमें तेजी से निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। पन्ना शहर के विकास के लिए पिछले दिनों 11 करोड़ 17 लाख रुपए दे दिए हैं ताकि शानदार यहाँ सड़कें बने। प्राचीन नगर है अपना, अच्छे नगर की सड़कें हो, सड़कों पर डिवाइडर हो और कम पड़ जाए तो पन्ना वाले पर पैसे वैसे कभी हमारे पास नहीं। भगवान की कृपा, कांग्रेस वाले चक्कर में क्या आप ये तो बता दो, कुबेर का खजाना आपको लग गया है। हमारे जमाने में तो तनखी नहीं बढ़ती थी, हम कहते जब तुम्हारी सरकार थी तो तुम्हारी नीति भी ठीक नहीं थी और नियत भी ठीक नहीं थी, इसलिए लक्ष्मी जी रूठ गई। अब हमारी नीति भी ठीक है और नियत भी ठीक है और नेता भी ठीक है कि नहीं भैया, ये और बता दो। लक्ष्मी जी की कृपा हो और इसलिए और कहीं चाहिए हो हमें और बता देना, उसको भी उसके लिए भी राशि देने का काम करेंगे। गुरौर में महाविद्यालय हो गया है, उसको यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, विकास के कामों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन एक प्रार्थना आप सबसे मैं अंत में करना चाहता हूँ, देखो हम तो जी जान से लगे अपने प्रदेश के विकास में लेकिन अकेला मुख्यमंत्री मैंने तय कर दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई नई शराब की दुकान में खुलने नहीं दूंगा, ना तो दारू की फैक्ट्री लगेगी और ना कोई दारू की नई दुकान खुलेगी। और एक निर्देश और मेरे यहाँ एसपी और बाकी अधिकारी होंगे, अवैध दारू वगैरह कहीं बिके तो छोड़ो मत, कोई भी हो गांव गांव में अभियान चलाओ। कई जगह से शिकायत आती है इधर उधर दारू कई जगह अगर तुमसे मिलती है उसके खिलाफ तगड़ा अभियान चलना चाहिए, यहाँ वहाँ कहीं बिकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और ना नई कोई शराब की दुकान मध्य प्रदेश की धरती पर। अटल ज्योति अभियान के पन्ना जिले के अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ पन्ना जिले में भी हो गया। ये 13वां जिला है, 886 गांव हैं जहां पर अब बिजली कटौती का कलंक मिट जाएगा। यहां पे कार्यक्रम में ये बहुत बड़ा एक जनरेटर बुलाया गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अपने यहां बिजली तो बराबर रह रही है। अब वो तो यहां जिला प्रशासन ने अपने इस बात को ध्यान में रख के कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और एक सामान्य व्यवस्था में ये इंतजाम किए जाते हैं। सर आपके बाजू में ही जनरेटर चालू है, अभी भी चालू है फिर भी। आप तो निश्चिंत रहिए, 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की शुरुआत हो रही है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और वैसे भी पिछले वर्षों में शुरू में बिजली जब हमारी सरकार आई थी तो 6 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती थी।